इंसान ने धरती पर कई अद्भुत निर्माण किए हैं जिसके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहीं आज हम आपको इंसानों द्वारा किए गए अद्भुत निर्माणों में से एक ऐसे निर्माण के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हाथों तले उंगलियां दबाने लग जाएंगे। पेरू, साउथ अमेरिका की सैक्रेड वैली पर बना स्काईलॉज होटल एक ऐसा ही निर्माण है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक होटल माना जाता है। यह होटल लगभग 1300 फीट की ऊंची पहाड़ी पर लटका हुआ है जिस पर रहना काफी रिस्की माना जाता है, लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ खूब आते हैं। जितनी ऊंचाई पर यह होटल बना है वहाँ तक पहुँचना हर किसी की बात नहीं है। इस होटल में पहुँचने के दो तरीके हैं। पहला, वब जिपलाइन की मदद से पहुँच सकते हैं। बता दें कि जिपलाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें दो पहाड़ों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मजबूत तार लगाए जाते हैं जिसे पार कर व्यक्ति एक पहाड़ के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, या फिर पहाड़ के किनारे बनी 1300 फुट मेटल की सीढ़ी से चढ़कर इस होटल में पहुंचा जा सकता है। ये होटल कैप्सूल के आकार का है। होटल 24 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा है। इस होटल में 4 बेड, एक बाथरूम और डाइनिंग रूम बनाया गया है। यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देख सकता है, इसलिए इस होटल को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखा गया है। हर रूम इंटीरियर में 4 लैंप हैं। यहाँ पर लाइट्स सोर पैनलों द्वारा संचालित की जाती है। स्काईलॉज होटल उन लोगों की पसंदीदा जगह है जिन्हें एडवेंचर काफी पसंद है। यहाँ से आपको प्रकृति के सारे नज़ारे बहुत करीब और कुछ ऊंचाई से देखने को मिलेंगे। इस स्काईलॉज होटल से आपको ऊपर देखने पर नीला आसमान और नीचे देखने पर पथरीली और हरी भरी जमीन साफ नजर आएगी, जिसे देखकर लगेगा आप जन्नत में हैं। आपको बता दें कि पेरू के इस होटल को एडवेंचर और नेचुरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।